दोस्तों, अगर आपके घर लगा है मनी प्लांट तो ये एक गलती कभी मत करना, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन से वो पौधे हैं जो आपको घर में कभी भी नहीं लगाने चाहिए, वरना होता है धन का नाश। और अगर ये पौधे घर में हैं तो आज ही उखाड़ कर फेंक दें। और साथ ही जानेंगे कि कौन से पौधे हैं जो घर में लगाने से घर में होती है खुशियाँ और इसी के साथ होती है धन की बारिश। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लोग अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं। कहते हैं कि घर में पेड़ पौधे लगाने से हरियाली आती है, साथ ही साथ घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन कई बार आपके लगाए गए पेड़ पौधे अच्छे परिणाम नहीं देते, कई बार उनमें वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं नुकसानों से बचाने के लिए हम आपको यहाँ आपको बता रहे हैं कि घर में कौन सा पेड़ पौधा लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए। घर में रसोई किस मुख होनी चाहिए, घर का मुख्य द्वार किधर होना चाहिए। वास्तु में सबका उपाय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर का वास्तु आपके आसपास की चीज़ों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि आपके घर के आसपास कौन से पेड़ हैं। जानिए वे कौन से पेड़ हैं जिनका घर के पास होना अशुभ माना जाता है। तो आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि वनस्पति शास्त्र के अनुसार घर में कौन सा पेड़ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नंबर एक, बरगद, पीपल, गुलर का पेड़ घर के बाहर लगाना शुभ होता है। ये वृक्ष यदि घर में है तो अशुभ फल देने लगते हैं, इसीलिए घर के बाहर हों तो ही ये शुभ माने जाते हैं। नंबर दो, सामान्यतः लोग घर में नीम का पेड़ लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन घर में इस पेड़ का लगा होना बहुत ही शुभ होता है। सकारात्मक ऊर्जा और शुद्ध वायु के साथ ये पेड़ कई प्रकार के कल्याणकारी भी होता है। नंबर तीन, हिंदू धर्म में तुलसी के पास इस पौधे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तुलसी के पौधे को एक प्रकार से लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। यदि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो ये पौधा उसे नष्ट करने में सहायक होता है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिण भाग में नहीं लगाना है, क्योंकि ये आपको फायदे के बदले काफ़ी नुकसान दे सकता है। नंबर चार, घर में आंवले का पेड़ लगा हो और वे भी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में हो तो अत्यंत लाभदायक है, यह आपके कष्टों का निवारण करता है। नंबर पाँच, केले का पौधा धार्मिक कारणों से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुरुवार को इसकी पूजा भी की जाती है और अक्सर पूजा पाठ के समय केले के पत्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए घर में केले का पेड़ ईशान कोण में है तो बेहतर है। कहते हैं इस पेड़ की छांव तले यदि आप बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वे जल्दी जल्दी याद भी होता चला जाता है। नंबर छः, बांस का पौधा घर में लगाना अच्छा माना जाता है, ये समृद्धि और आपकी सफलता को उर ले जाने की क्षमता रखता है। नंबर सात, आपने देखा होगा दोस्तों कि घरों में आम के पेड़ लगे होते हैं और लोग बड़े शौक से अलग अलग तरह के आम का पेड़ लगाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका घर के आसपास लगा होना आपको किस तरह की हानि पहुंचा सकता है। वैसे तो घर के पास आम का पेड़ होना आपके बच्चों पर बुरा असर डालता है, ऐसे पेड़ शौक से तो कभी ना लगाएं। और यदि पहले से मौजूद हो तो आप ये कर सकते हैं कि इस पेड़ के पास ऐसे पेड़ लगाएं जो शुभ माने जाते हैं, जैसे कि नारियल, नीम आदि का पेड़ आप लगा सकते हैं। नंबर आठ, जिनके घर में नारियल के पेड़ लगे हों उनके मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। नंबर नौ, घर के समीप कांटेदार वृक्ष शत्रु भय उत्पन्न करते हैं एवं दूध वाले पेड़ धन का नाश करते हैं। नंबर दस, घर के ईशान और पूर्व दिशा में अधिक ऊँचे पेड़ नहीं होने चाहिए। नंबर ग्यारह, घर के आसपास आधा सूखा या आधा जला हुआ पेड़ भी
अशुभ माना जाता है। वास्तु में कहा गया है कि इससे घर में नकारात्मक और बुरी हवाएं प्रवेश करती हैं। नंबर 12, कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे भी आपके घर के पास नहीं होने चाहिए, जैसे कि रेशम, ताड़ और कपास का पेड़ पास होने से घर में कलह की स्थिति पैदा होती है। नंबर 13, घर के आगे इमली या मेहंदी का पेड़ है तो उसे हटवा दीजिए। वास्तु के अनुसार इनमें बुरी आत्माएं वास करती हैं। यदि आप इन पेड़ों को कटवा नहीं सकते तो इनके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। इन पेड़ों के पास तुलसी, हल्दी, नीम, चंदन या नागेश्वर के पौधे आप लगा दीजिए। ऐसा करने से आप इनके बुरे प्रभाव से बच जाएंगे। कई बार लोग घरों में मुख्य द्वार के सामने कैक्टस के पौधे लगा देते हैं, चांदनी बेल या मनी प्लांट लगा देते हैं, जिससे मुख्य द्वार में अवरोध पैदा हो जाता है। इससे घर में बाधा आती रहती है। दोस्तों, इसके बाद एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मनी प्लांट को ऐसी मिट्टी में गलती से भी मत लगाना और ना ही गलत दिशा में लगाना। अगर बनना है रातों रात माला माल तो मनी प्लांट के साथ ये गलती कभी ना करें, नहीं तो बर्बाद हो सकते हो। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि मनी प्लांट को घर या ऑफिस में लगाया जाता है और ये बहुत ही शुभ होता है। इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि इसको घर में लगाने से सुख समृद्धि घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में कई लोग ऐसे कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मनी प्लांट को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए। इन सभी बातों का भी जिक्र वास्तुशास्त्र में किया गया है, इसीलिए आप भी देख लीजिए, क्या पता आपने भी मनी प्लांट को गलत लगाया हो। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें कि मनी प्लांट को हमें पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, तभी हमें इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप इस दिशा में नहीं रखते हैं तो मनी प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा में मनी प्लांट को रखने से घर में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा का कारक ग्रह शुक्र है और शुक्र ही बेल वाले पौधों का कारक भी है, इसीलिए इस दिशा में मनी प्लांट लगाना सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ शुभ माना गया है। नंबर 2, खराब पत्ते तुरंत हटा दें। लंबे समय से मनी प्लांट की सफाई ना करना, सूखे हुए पत्तों को ना हटाना शुभ नहीं होता। अगर इसकी पत्तियां खराब हो गई हैं तो इन्हें तोड़कर हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट के घर में होने से ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, जिससे धन दौलत में वृद्धि होगी। नंबर 3, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को धन से जोड़कर देखा गया है, इसीलिए मनी प्लांट की बेल कभी भी ज़मीन पर नहीं फैलानी चाहिए। हमेशा मनी प्लांट को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। ऊपर की ओर जाता हुआ मनी प्लांट दौलत और शोहरत को बढ़ाता है। मनी प्लांट की बेल ज़मीन से ऊपर ही होनी चाहिए। ऐसे में अगर आप मनी प्लांट को किसी बोतल में या मग में रखते हैं तो बहुत ही केयर करनी पड़ती है। ऐसे में आप ध्यान रखें कि बोतल का पानी हमेशा बदलते रहें, क्योंकि पानी खराब होने से पौधा सड़ और गल सकता है। नंबर 4, गमले में मनी प्लांट कैसे लगाएं? मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इसे ज़मीन पर और किसी बड़े गमले में लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, जो आपके घर के लिए शुभ है। ऐसे में याद रहे कि मिट्टी में अगर कंकड़ पत्थर हैं तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। कंकड़ पत्थर हटाकर कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद अच्छी तरह से मिलाकर गमलों में भर दें। ऐसा करने से मनी प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। इस पौधे की ताकत बढ़ जाती है। लेकिन याद रहें, जो मिट्टी है वो गमले में साफ ही डालें। गंदी मिट्टी कीड़े मकौड़ों से भरी होती है, जिससे पौधा सूख सकता है और ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।